हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन के सेटिंग्स पर जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर से तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन के आइकन इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो रहा है, तो आपको इसमें स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते हैं हमारे फ़ोन के वॉल आइकन इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो जाएंगे। इसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे फ़ोन की सेटिंग्स इस प्रकार से पहुंच गई है, देखते हैं आप। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो इसमें से आपको क्लिक करना है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल पे। तो क्लिक करते ही हमारे फ़ोन में वॉलपेपर्स एंड स्टाइल ऑप्शन अपन जाएगा। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर है उसको हम कैसे सेट करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से जो भी आपको वॉलपेपर सही लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अपने होम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन वॉलपेपर सेट हो जाएगा, जो हमारे फ़ोन में यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही हमारा होम स्क्रीन वॉलपेपर सेट हो चुका है, जिससे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उस पर अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन वॉलपेपर को हम सेट कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।